फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा। इसको हम साबूदाने के पकौड़े भी बोलते हैं। इसको हम व्रत में बनाकर खाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम इसको व्रत में ही बना के खाएं। व्रत में बनाकर खाने के लिए हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना होता है, और ऐसे अगर हम बनाकर खा रहे हैं तो हम इसमें सादा नमक डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने एक बाउल साबूदाना लिया है, जिसको कि मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो रात भर के लिए भिगो सकते हैं। साबूदाना जब भीग जाता है तो वो फूल कर दुगना हो जाता है। और देखिए, हम उसको उंगली से दबा के देखेंगे। हम एक साबूदाना उंगली से दबा के देखिए, इस तरह से वो दब जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा साबूदाना फूलकर अच्छे से बनाने के लिए तैयार हो गया है। 5 आलू लिए हैं, जिनको कि मैंने उबाल कर छील दिया था, और फिर इसको मैंने मैश कर दिया है। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मैसर से भी मैश कर सकते हैं। एक बाउल हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को मैंने धोकर बारीक काट लिया है। व्रत में बनाने के लिए हम 1 चम्मच सेंधा नमक लेंगे या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। अगर व्रत में नहीं बना रहे हैं तो सादा नमक भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चा लेंगे, जिसको कि बारीक काट लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। पकौड़े फ्राई करने के लिए ये ऑयल लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए एक बाउल में हम सभी आलूओं को निकाल देंगे। इसमें हम सभी साबूदाना डाल देंगे, हरा मिर्चा डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे। पहले हम हाथों को अच्छे से साफ धो लेंगे, फिर हम ये सब आपस में मिलाएंगे। इसको हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे। इसी तरह हम आपस में सभी को मिला देंगे। देखिए, ये सब हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। गोले बनाने के लिए पहले हम हाथ में ऑयल लगा लेंगे ऐसे, फिर हम इसके ऐसे ले लेंगे और इसमें हम छोटे छोटे गोले, या आपको जितने बड़े चाहिए हो उतने बड़े बना लेंगे। देखिए, इस तरह करके हम जितने बड़े आपको चाहिए आप उतने बड़े ऐसे बना लीजिएगा। देखिए, इस तरह से हमने सभी एक साइज के काट लिए हैं। अब हम इस हाथ में ऑयल लगा के इसको आपस में ऐसे गोल कर लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में बना लीजिएगा। देखिए, इस तरह से हमने ये इतने बना लिए हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई को चढ़ाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तभी हम इसमें पकौड़े डालेंगे। देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। इसको चेक करने के लिए हम एक छोटी सी गोली डालेंगे। अगर वो ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब हमारा ऑयल गरम हो गया। देखिए, गोली ऊपर आ गई है, हमारा ऑयल गरम हो गया। इसको हम निकाल देंगे। इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। आंच को धीमा कर देंगे। डालेंगे इसको, चलाएंगे नहीं। जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा एक तरफ से, तब हम इसको पलटेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा हमारा लग रहा है कि एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो हम इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए, इसी तरह हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ये पक रहा है। दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, अब ये हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। देखिए, अब इसको हम
प्लेट पर निकाल लेंगे। इसको हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। देखिए हमारे गर्मा गर्म साबूदाने के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। व्रत में खाने के लिए इसको आप टमाटर धनिया मिर्चा की चटनी के साथ खाइए, और अगर जिसका व्रत नहीं है वो इसको मीठी चटनी या चिली सॉस के साथ भी खा सकता है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोगों ने देखा आज हमने साबूदाना वड़ा या साबूदाने के पकौड़े कितने आसान तरीके से बनाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये व्रत के अलावा भी बनाकर खाए जा सकते हैं। आप इसको नाश्ते में बनाकर खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बच्चे और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।